हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि गैस और वेपर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? गैस में और वेपर में इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो हम जानते हैं कि कोई भी मैटर है वो थ्री स्टेट में पाया जाता है, तीन तरह से पाया जाता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, या सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीन स्टेट में कोई भी मैटर पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम अगर वाटर का एग्जाम्पल लें तो वाटर इस तरह से होता है कि वाटर सॉलिड होता है तो बर्फ के फॉर्म में होता है, फिर उसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो वो वाटर के फॉर्म में, मतलब लिक्विड के फॉर्म में बदल जाता है, वाटर जैसा हो जाता है। फिर उसको और ज़्यादा हम हीट करते हैं तो फिर वो गैस के फॉर्म में हो जाता है, वेपर बन जाता है। तो जो वेपर बनता है वो गैस का फॉर्म होता है, गैस के फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेपर कहते हैं। और हम जानते हैं वाटर के केस में कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होने लगता है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर उसको हम हीट दे देंगे तो वाटर क्या होगा? फिर वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम अच्छी तरह समझ गए कि कोई भी मैटर थ्री स्टेट में पाया जाता है, तीन स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम आते हैं कि गैस और वेपर में डिफरेंस क्या है। तो वाटर है, जैसे वाटर को हमने देखा रूम टेम्परेचर पर, रूम में हमने देखा वाटर, तो वाटर लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। फिर उसको हम हीट देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जब हीट देंगे तो फिर वो वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा। तो हमारे सामने वो वेपर में बदलेगा रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे जब हम उसको हीट करेंगे, उसमें हीट देंगे उसको, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम हीट दे लेंगे तब वो वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा। मतलब ये है कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है उससे उसको और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तब वो वेपर में बदलेगा और हम उसको वेपर में बदलते हुए देखेंगे और वो गैस के फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम वेपर कहेंगे, वाटर का वेपर कहेंगे। ये तो हो गया वेपर। अब गैस क्या होता है, किसको हम गैस कहते हैं? तो बहुत सारे ऐसे, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह के जो बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम उनको गैस के फॉर्म में देखते हैं। मतलब ये कि गैस के फॉर्म में देखते हैं का मतलब ये कि हम उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे रूम टेम्परेचर के नीचे होता है। मतलब हमारा जो रूम टेम्परेचर है उस पर अगर कोई चीज़ हमें गैस के फॉर्म में मिलती है, तो गैस के फॉर्म में तभी मिलेगी जब रूम टेम्परेचर से नीचे उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, तभी वो गैस के फॉर्म में मिलेगी। तो कोई भी चीज़ जब हमें रूम टेम्परेचर से नीचे ही वो गैस के फॉर्म में रहती है तो हम उसको गैस कहते हैं, और जब रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हम उसको देते हैं और तब वो बॉयल होकर के वेपर बनता है या गैस बनता है, तब हम उसको वेपर कहते हैं। वाटर का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा हीट देते हैं, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको हीट देते हैं, फिर वो वेपर में बदलता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? वेपर कहते हैं। फिर वो गैस में बदलता है, हम उसको वेपर कहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लें या सिर्फ दूसरे सब्सटेंस का एग्जाम्पल लें जो कि गैसेज हैं, तो वो गैसेस क्या होते हैं? वो हमारे रूम टेम्परेचर से नीचे ही गैस बन चुके होते हैं। मतलब ये कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है उससे बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, तब वो लिक्विड के फॉर्म में आएगा। तो रूम टेम्परेचर पर जो भी सब्सटेंस हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे होता है उनको हम गैस कहते हैं, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ऊपर होता है उनको हम वेपर कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वेपर क्या है और गैसेस क्या है। गैसेस जिसको हम रूम टेम्परेचर पे पाते हैं ऑलरेडी कि ये गैसेस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब, नाइट्रोजन, तो ये सब को हम क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं गैस है, क्योंकि उसको हमने वेपर बनते नहीं देखा, हमारे रूम टेम्परेचर से नीचे ही वो गैस बन गया। लेकिन जिसको हमने गैस बनते देखा, गैस बनते पाया, मतलब ये कि जैसे वाटर है उसको हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया, मतलब रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हीट किया, तब वो वेपर बना, तब वो गैस के फॉर्म में बना, तब वो वेपर बना, तो हम उसको क्या कहेंगे? वेपर कहेंगे। तो बस यही मेन डिफरेंस होता है कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट हमारे रूम टेम्परेचर से नीचे होता है उसको हम गैस कहते हैं, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे रूम टेम्परेचर से ऊपर होता है उसको हम लोग वेपर कहते हैं। यही डिफरेंस होता है गैस में और वेपर में। हम जानते हैं कि वेपर गैस के फॉर्म में बदल जाने को ही वेपर कहते हैं, लेकिन हम उसको बदलते हुए देखते हैं कि ये बदल रहा है तो हम उसको वेपर कहते हैं। जैसे वाटर को हम देखते हैं तो हम उसको कहते हैं वाटर वेपर है ये। तो उम्मीद करते हैं बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।